लो भाई अपनी मशीन आ चुकी है भाई, अकेले ही उठा ले जाओगे यार, बड़ी जान है भाई। और ये है भाई रियल गोल्ड। तो जितने भी खत्री है सब ने मिलके भाई ये भंडारा कराया, जो की हो रहा है बहुत सालों बाद शायद। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में एक नई एनर्जी और एक नई जोश के साथ। कल भाई शादी में गया हुआ था, थोड़ा लेट उठना था लेकिन जल्दी क्यों उठे भाई। हमारी आ चुकी है वॉशिंग मशीन, ये नीचे आप देख रहे होंगे। कल हमने बुक करवाई थी अपनी मशीन, बिलिंग वगैरह कराई थी लेकिन डिलीवरी आ गई है आज जल्दी। चलते अपनी मशीन लेके आते यार, अपनी इस मशीन को बोलते हैं बाय बाय भाई, इसने बहुत साथ निभाया हमारा, 7-8 साल रही साथ में। लो भाई अपनी मशीन आ चुकी है, अकेला उठा के ले जा रहे रोहन भाई, अकेले ही उठा ले जाओगे यार, बड़ी जान है भाई। रोज का काम है भाई, अकेला ही उठा के ले जा रहा है यार, कमाल है। तो भाई वो मशीन आ चुकी है हमारी और ये मशीन चली जाएगी अभी। और भाई हिम्मत मार यार, तुमने भी अकेले नहीं उठा गया यार ऊपर तक। हैं सर ये भी उठा लूंगा, ये वाली भी उठा लेगा भाई, जान देख लो कितनी है यार, अकेला ही उठा के लिया है भाई ये वाली मशीन, ये भी अकेला ही उठा ले जाएगा। सर ये मशीन से ज्यादा वजन है हमारा। डेंट वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार खुलवा के इसको, जब भी आप मशीन लो डिलीवरी लो तो एक बार डेंट वगैरह चेक कर लेना चाहिए। तो भाई अभी ये कर दिया अनबॉक्सिंग, तो भाई हमारी वॉशिंग मशीन ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है, तो भाई अभी इसको इंस्टॉल तो मैं ही कर दूंगा यार। अब इंस्टॉलेशन के लिए एक दिन कौन वेट करेगा भाई, मैं ही कर दूंगा इंस्टॉल, 7 साल से यूज कर रहे हैं तो पता तो लग ही गया भाई कैसे करते हैं। और भाई इंस्पेक्शन हो गया कंप्लीट, कहीं डेंट वगैरह कुछ नहीं है। और भाई डिलीवरी जल्दी आ गई, 2-3 दिन के लिए बोल रहे थे लेकिन भाई डिलीवरी जल्दी ही दे दिया इन्होंने। और भाई जो पसंद करी थी बच्चों ने वही लेके आया, ये हमारा हाइड्रोलिक, ये ऑटोमेटिकली जाएगा नीचे। चलो भाई मशीन का तो काम हुआ, देख लो भाई अकेले ही लेके जा रहे हैं यार, हिम्मत ही है इस भाई की भी, भाई अकेले ही उठा के ले जा रहे हैं। चलो भाई अभी तो यार उठे थे बस, अभी नहाए धोए भी नहीं है, अब नहाएंगे भाई, रेडी शेडी होते हैं, करते हैं इस दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ। कपड़े आए हैं भाई भाई। तो भाई मैंने तो खुद ही कर दिया सेट, हेट क्या करना होता है यार, एक ये पानी का लगता है इसमें और एक ये वाला पाइप जोड़ना पड़ता है, एक पानी डालने के लिए और एक वेस्ट निकालने के लिए। तो भाई गुड्डू तेरी मशीन तो मैंने ही सेट कर दिया है। तो भाई आधी मैकेनिक तो हम ही हो जाते हैं देख देख के चीजों को, घर में इतने टाइम से यूज कर रहे हैं। तो भाई पानी हो गया चालू, इसका मतलब मशीन हो गई सही सेट, और भाई सही चल रहे हैं, ये हमारे फीचर है भाई मशीन के, क्या कर रहा है भाई ये हमारा टेम्परेचर का, अगर भाई गर्म पानी करना हो तो यहाँ से टेम्परेचर सेट कर लो और भाई ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर पे गर्म करके पानी और गर्म पानी में कपड़े धो देगा। तो भाई ऑटोमेटिक मशीन के फायदे तो है। और तू क्या क्या दबा रहा है, हटा यहाँ से। और इस लड़की ने देख लो भाई, पता नहीं कौन कौन से बटन दबा दिए, अभी तो मुझे ही पूरे फीचर्स नहीं पता, सारी सेटिंग चेंज करती है। सो भाई हो गया रेडी शेडी, हो रहा जा रहे भंडारे में यार, क्योंकि हमारा जो नरेला गांव है वो भाई खत्री होगा, तो जितने भी खत्री है सब ने मिलके भाई ये भंडारा कराया, जो कि हो रहा है बहुत सालों बाद शायद, पहले का तो मेरे को ध्यान भी नहीं यार कभी हुआ या नहीं। तो भाई चलते उस भंडारे में, भाई पूरा गांव आया होगा, पूरा नरेला आया होगा, तो चलते हैं भाई आलू पूरी की सब्जी खाते, क्योंकि भंडारे की सब्जी होती है भाई बेस्ट, आप कहीं भी खा लेना भंडारे की सब्जी का अलग ही मजा होता है। और भाई आ गया हम भंडारे पे, जो कि भाई पूरे नरेला गांव की तरफ से। भाई ये भंडारा पूरा नरेला गांव की तरफ से है, चलते हैं अभी देखते हैं क्या क्या भंडारे में भाई क्या बनवाया है। एंट्री तो बड़ी जोरदार थी, ये क्या का मिठार बना रखा है, ये देख रहे हैं कोई है सामाजिक तत्व अंदर नहीं घुस गया। अच्छा चलो भाई ध्यान रखना चाहिए। भाई यहाँ लगी हुई है रोटियों की मशीन, ये भाई आटा गूंद रहा है, भाई ये मशीन लगी हुई है रोटियों की, वरना हाथ से तो कहाँ ले जाएगी भाई इतनी रोटी। सो भाई भीड़ इतनी ज्यादा है यार, इसलिए मशीन की जरूरत तो थी, लेकिन भंडारा बहुत बढ़िया कर रखा है भाई, चावल पेटे की सब्जी आलू की सब्जी पूरी और बहुत कुछ है यार। सो भाई दाल भी है ये बढ़िया यार, जिसको पूरी नहीं खानी, क्योंकि कई लोग भाई तला हुआ नहीं खाते, तो चावल खा लो भाई रोटी खा लो यार। भाई अपनी आगे प्लेट ले भाई, भंडारा खाना ट्राई करते हैं, रोटी बढ़िया है भाई, रोटी बढ़िया सीखी हुई है भाई, ये नहीं है मशीन से तो ऐसे ही भंडारे के खाने की बात ही अलग है भाई। तो भाई यार ये ठंडाई का प्रोग्राम हो रहा है, गर्मी हो चुकी है भाई, ठंडाई पियो। तो भाई वहाँ स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है, जो भी नरेला के प्रधान है उनका स्वागत है, नरेला के जो भी मौजूदा आदमी है उनका स्वागत हो रहा है वहाँ पे, ये भाई भीड़ बहुत ज्यादा है। सो भाई भंडारा खा लिया, आ गया मजा भाई, ये भंडारे होने भी चाहिए क्या, इनमें ना सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वरना कौन इकट्ठा होता है आज के टाइम पे, तो पूरा नरेला इकट्ठा हो रखा है भाई, बढ़िया खाना खाया है और जय श्री राम बोलते हैं और चलते हैं यहाँ से। और भाई अभी तो लोग आ ही रहे हैं, हम निकल रहे थे भाई, बढ़िया मजा आ गया भंडारे का खाना खा के भाई, अब चलते हैं घर की तरफ। तो भाई अभी ओजस जा रहा है अपने घर, 2-3 दिन रुका है और मैं छोड़ के आ रहा हूँ इसको, अभी हनी इसको लेने आएगा इसका मामू। भाई इसकी मौसी जो है इसको शॉपिंग करा के लाई है, क्या क्या लेके आये हो भाई, कपड़े और पोच। ये क्या लेके आई है, रूहानी शॉपिंग दिखाओ आपको, दिखा देखो, ये क्या है भाई, ये रूहानी लेके आई है, दिखा रूहानू, ये चश्मा किसके लिए लाई है, मेरे लिए, तो लड़की वाला है, लड़की वाला है ये। लो भाई रूहानी ये चश्मा पसंद करके लाई है मेरे लिए भाई,
अरे तो लड़कियों वाला है, लगा के दिखाइयो। और मैं तो रूहानी के बहाना लेके और तू लेके आ गई अपने लिए, है ना? हाँ हाँ, ये बता दिया। ये देखो, ये देख लो भाई। अरे रूहानू बड़ा है ये तो। और ये लेके आई है रूहानी, क्या क्या ले आई? तो देखने तो दे। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहे हो? ये कह रही है इसमें से एनिमल बाहर निकल के आ जाएगी, ये मत देखो। तो भाई अभी चलते हैं, वो जिसको छोड़ के आते हैं। हनी इसका मामू लेने आ रहा है, ठीक है भाई? वो जिसको बाय बाय बोलो। चलो अब रुवानू आप भी बोलो। ऐसे तो अब क्यों बोल रहे? ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं जा रहा हूँ इसके मामू ले रहे, आप जा रहे हो तो मामू लेने आ रहे। अच्छा तो भाई ध्रुव कह रहा है की मैं आप लोगों को कह रहा हूँ की मैं वो जिसको छोड़ने जा रहा हूँ और इसके मामू लेने आ रहे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई आधे रास्ते मैं जा रहा हूँ छोड़ने, आधे रास्ते इसका मामू लेने आ रहा है। बाय बाय, दोबारा आना, ठीक है? वो जिस तरह दोबारा बुला रहे हैं। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं वो जिसको छोड़ के आते हैं। तो भाई तो ये था बीच में टोल, हन्नी आ गया, वो खड़ी गाड़ी और हन्नी लेने आ गया, ठीक है? बाय बाय, वो जिसको भेज दिया भाई, वो जिस चला गया। तो अभी चलते हैं घर, बच्चों से मिलेंगे। और भाई थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लिया हमने, कपड़े ले लिए। तो भाई हन्नी और रेंट पे बढ़िया एक शोरूम है, तो वही से मंगा लिए थे मैंने, तो हन्नी लेके आया था। जींस ले ली है भाई, शर्ट ले ली, ये वाली शर्ट बड़ी प्यारी लगी मुझे यार, कपड़े बड़े अच्छे है वहाँ, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना वे डिस्काउंट में मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने उससे मंगाया। और भैया अभी घर की तरफ जा ही रहे थे यार, ये देखो बारिश फिर हो गई है। ये देखो यार, ये देख लो, इतनी तेज बारिश है, पूछो मत यार। और आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा यार कि फसल की इतनी बर्बादी होती है ना इस टाइम पे बारिश। भाई अच्छी तो लगती है यार बारिश, खैर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना यार कि बारिश किसी के लिए दिक्कत भी कर सकती है। और ये है भाई रियल गोल्ड यार, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मैं इसको रियल गोल्ड बोलता हूँ यार। ये गोल्डन कलर के हो रखे है, और ये हमारे गेहूं यार जो हम खाते हैं अनाज। बारिश हो गई थी बंद, लेकिन जैसे हम नरेला की तरफ जा रहे हैं ना भाई, मौसम देखो यार कितना जबरदस्त हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सारी गाड़ियों की हेडलैम्प चालू हो गए, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि मेरा जो कैमरा यार इसमें ना फिर भी थोड़ा दिन दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई बिल्कुल अंधेरा है, जो मुझे लाइव दिख रहा है ना मेरी आंखों से सामने है बिल्कुल अंधेरा। और भाई आंधी चल रही है बहुत तेज, और भाई मौसम का मिजाज बिल्कुल बिगड़ गया। मैं जब नरेला जाऊंगा मुझे लग रहा है भाई बहुत तेज बारिश पाएगी, और देखो बूंदाबांदी फिर से चालू हो गई, और भाई बारिश देख लो कितनी जबरदस्त हो चुकी है। सो भाई फाइनली पहुंच गया हूं मैं घर पे, और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं भाई। और ये देख लो रूहानी को, रूहानू खाना लेके आया पापा के लिए, ठीक है? ओके भाई, चलो भाई मैं वही बैठता हूँ, खाना लेके आ रही है मैडम। रुआ क्या कर रहा है? और भाई अभी इसके थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक सर्जरी हुई था, उसके लिए भाई इसकी आवाज ही नहीं निकलती, और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा यार, ये बोलता है ना तो ऐसे चे मेरे को तो वही अच्छा लगता है। और भाई ये कर रहा है ध्रुव कलरिंग, ठीक है कर। और ये लेके आ गया मेरे लिए खाना, खा लूं खाना? खाने में देखो क्या लेके आई है भाई, पेज। ये कौन खाता है? मुझे क्या पता किसका है, खाने में कौन लेके आया? और भाई ये ध्रुव ने कलरिंग करी है, देखो कितनी प्यारी कलरिंग करी है, बहुत प्यारी बेटा, बहुत ब्रेव हुआ है मेरा। कुछ उतार के खाना खा लो। अच्छा भाई ये कह रहे हैं शूज उतारे खाना खा लो। आपको पता है कौन सा टी शर्ट पहनी हुई है? कौन सी? जो मैं पहनी ध्रुव वाली टी शर्ट है भाई, ध्रुव जब छोटा होता था वो टी शर्ट पहनी हुई है। ये टी शर्ट भैया की है, पता है तेरे को? मतलब जब भैया छोटे थे तो भैया पहनते थे ये। यार कितना अच्छा लगता है ना हमारे पुराने कपड़े हमारे छोटे पहने या कोई पहने। सो भाई गुड नाइट। अरे क्या कह रहा है? सो गाइस गुड नाइट और टेक केयर इसने बोला है। सो बाय बाय। अरे बोलने दे। सो बाय बाय। सो बाय बाय। सो बाय बाय। अरे बोलने दे। बाय। रुक जा। और भैया रूहानू है ना, भैया को डांट रही है, सॉरी बोल भैया को। थोड़ी। अब तो मान जा। थोड़ी। दे। जिंदगी यूं ही कट जाएगी, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। मैंने अपने दादी रूम में ना फ्रूटी रखी थी, मेरी फ्रूटी गायब हो गई। और भाई फाइनली हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो हो गई है इंस्टॉल। तो अभी देखो भाई ये हमारी वॉशिंग मशीन, और भाई दादी भी आ गई है, तो आदू रूहानू और भाई भाई दादू छुपे हुए, आ जाओ। चलो भाई टिक्का लगाओ। अरे ये दोनों रूहानी और रियू, ये दोनों टिक्का लगा रहे हो भाई। अरे वाह, सतिया बनाना आ गया है। सो भाई एक चीज मैं और जरूर कहूंगा आपको, घर में कुछ भी आए ना उसकी खुशियां मनानी चाहिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कैसे भी हो, तो खुशियां भाई हर चीज में ढूंढी जा सकती है, बस खुश रहने वाले होने चाहिए। हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें? और भाई इनको भी हम देते हैं, ले रही हूँ। थैंक यू। उसने सुन ली, ये रही हूँ दो के, और भाई मैं बोलूंगा हमारे छोर एक है, छोर या तो कम है, ये लो मेरे को ये लो मेरे को दे रही है, ये ले ध्रुव।
भाई दादू दे 500 के, हम तो सोखा देंगे। दो भाई 500 के दो भाई, मार दे सोखा भी है। ये दादू से 500 लिए बिना मानने ही नहीं है, मुझे पता है इनका। गरीब आदमी भाई, हर करोड़पति यही बोलता है मैं गरीब हूँ। सो भाई मशीन आई थी सुबह, लेकिन मैं बाहर था किसी काम से। अभी सारी फैमिली इकट्ठी होती है शाम को, वरना हर कोई बाहर जाता रहता है भाई, कोई किसी काम से बिजी, कोई किसी काम से, तो अभी सारे इकट्ठे होते हैं। और ये देखो यार, ये सतिया बना है और ये हमारी वॉशिंग मशीन है। तो यार छोटी छोटी चीजों में खुशियां ना इतनी हो जाती है पूछो मत, बस उसको सेलिब्रेट करने वाला होना चाहिए। अगर आप सेलिब्रेट करना जानते हो तो बहुत कुछ है, अदरवाइज आप कितना भी बड़ा कुछ भी ले आओ, चाहे भाई कुछ भी ले आओ, कितनी भी महंगी चीज, सेलिब्रेट नहीं कर सकते। छोटी से छोटी चीज जिस दिन आपने सेलिब्रेट करनी सीखी, बड़ी से बड़ी चीज अपने आप आ जाएगी। So bye bye, good night, sweet dream, take care.